हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि आपका उदयपुर में लोकेटेड है, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज है। तो सारी डिटेल्स के बारे में इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्या इनका पेशेंट फ्लो है, क्या इनका हॉस्पिटल में कितने बेड्स है, हॉस्पिटल कितना अच्छा है आपके लिए, कितने कैंपस एरिया है इनका, और फीस स्ट्रक्चर कितना है, NRI कितना है, मैनेजमेंट कोटा कितना, स्टेट कोटा में कितना डिफरेंस है। तो सारी इन डिटेल में बातें करेंगे। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक बहुत ही प्यारा मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही प्यारा कैंपस है इसका। 35.8 एकर्स में इसका जो कैंपस है वो फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा एंड ग्रैंड सा है, एंड लश एंड ग्रीन एनवायरनमेंट है इसका, बिल्कुल अच्छा लगता है दिखने में, और आपको वहाँ पे घूमने फिरने में एक अलग ही वाइब आने वाली है। तो 2008 में जो इंस्टीट्यूट है वो स्टैब्लिश हुआ था, एंड उसके अकॉर्डिंगली तो काफ़ी साल अब इसको हो भी चुके हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में अपनी पकड़ बनाए। एंड उदयपुर राजस्थान में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है ये स्थान के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी एफिलिएशन के बारे में बताऊं तो गीतांजलि यूनिवर्सिटी से जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलिएटेड है एंड अप्रूव्ड है NMC के द्वारा प्रॉपरली, तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें इसी की होती है, तो वो है। एंड बात करूं कोर्सेज की, तो MBBS MD MS यहां पे अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ MBBS के बारे में बातें करेंगे। तो टोटल सीट यहां पे आपको 250 मिल जाएगी MBBS के लिए। तो अब जब सीट की बात हो चुकी है तो आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल के बारे में बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल यहां पे आपको काफी एक अच्छा हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटीज यहां पे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ साथ मशीन एंड मतलब सारी आपको जेन्युइन सुविधाएं भी मिलेगी यहां पे, पब्लिक के लिए भी अच्छी खासी मतलब देख ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को बनाया गया। तो 1200 प्लस इसमें टोटल बेड्स हैं, ठीक है, और 1500 प्लस का इसका पेशेंट फ्लो पर डे का रहता है, तो एक काफी अच्छा पेशेंट फ्लो है, क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली भी हॉस्पिटल है, तो काफी लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं जो लोअर मिडिल क्लास में भी होते हैं, तो बस एक वही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है इसका। तो आई थिंक ये आपके लिए काफी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पे आपका एडमिशन कैसे हो पाएगा। तो देखो सबसे पहले तो प्रोसेस है आपका नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। अब इनकी जितनी कट ऑफ होगी उसमें अगर आपका नीट का स्कोर आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो अवेलेबल है गेट एडमिशन। अब गेट एडमिशन आपकी हेल्प करेगा आपका एडमिशन कराने में, आपका जितना भी नीट का स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंडिया में कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको दिलाने में गेट एडमिशन पूरी हेल्प करता है। अब इसकी पूरी प्रोसेस तो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं MBBS का, इनका पूरा स्ट्रक्चर क्या, कितने साल का कोर्स है, क्या इनका फीस स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट का कितना है, तो सारी जानते हैं पहले। तो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज का जो आपकी जनरल कोटा ट्यूशन फीस है वो 21 लाख पर ईयर, और आपकी मैनेजमेंट कोटा सीट है मतलब जो फीस है पर ईयर की वो है 28 लाख पर ईयर, तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख का डिफरेंस है। एंड वन टाइम जो आपकी फीस जाएगी मतलब स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम पर 20,000 है, अदर ईयरली चार्जेस आपके 60,000 पर ईयर है। 3 लाख आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देनी होगी कॉलेज को, और हॉस्टल की जो आपकी फीस है मतलब जो सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी वो है 2 लाख। अब हॉस्टल की जो फीस है वो है आपकी 2 लाख नॉन एसी के लिए, एंड एसी अगर आप लगवाते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब टोटल पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कोटा के लिए ये पैकेज हो जाता है 1,06,40,000, एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए हो जाता है 1,37,90,000, और अगर आपको एसी हॉस्टल लेना है तो वो 3 लाख आपका हो जाएगा। तो देखो ये थी इसका पूरा स्ट्रक्चर, अगर आपके बजट में अब ये कॉलेज आता है तो इसको ज़रूर अप्रोच करें, अच्छा कॉलेज है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एसी का अगर हॉस्पिटल लेना आपको 3 लाख आपके वहाँ पे हो जाएंगे, तो देखो सारी चीज़ें जब आपके सामने आप इसको जरूर अप्रोच कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे अपना एडमिशन कराना है या फिर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इनकी कट ऑफ में आपका नंबर ही नहीं आ पाया, तो आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है गेट एडमिशन को। अब गेट एडमिशन आपके हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, तो जो स्क्रीन पे दिया नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सके और आपको कोई परेशानी उठानी ना पड़े, और आपका जितना भी नीट का स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली आपका आपका फेवरेट कॉलेज मिल जाए। तो बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कॉल जरूर करें, एंड आई होप आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एडमिशन पीक पे चल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कॉल करें। एंड आगे बढ़ते हुए फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊं तो देखो इतनी ज़्यादा फीस है, इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा कैंपस है, तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ तो यार जेन्युइन ही है ना। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यार फैसिलिटीज़ के मामले में कोई कंजूसी नहीं है, आपको यहाँ पे कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, जिम, हॉस्पिटल, वाईफाई इनेबल कैंपस है, ऑडिटोरियम, क्लासरूम्स और AC क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, ATM, एम्बुलेंस, लाइब्रेरी, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, और हॉस्पिटल की भी फैसिलिटीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो हॉस्पिटल में होती है। आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं गेट एडमिशन को। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।